मिर्जापुर में मुख्यमंत्री का उड़न खटोला लैंड होते ही चारों तरफ मुस्तैद आलाधिकारी व जिले के सांसद अनुप्रिया पटेल, मझवा विधायिका सुष्मिता मौर्या, नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री का काफिला जिला अस्पताल की तरफ कूच किया। मुख्यमंत्री ने जिले के कोविड कंट्रोल रूम अस्पताल का निरीक्षण किया तथा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। वह गाँव में भ्रमण के दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को उन्होंने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का संदेश देते हुए कहा कि कोरोना गांव में ही आकर परास्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्रामीण इलाकों में निगरानी समिति अच्छे से कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि जनपद से कोरोना की स्थिति संतोषजनक बनी है। अगर सर्दी जुकाम खांसी हो तो लापरवाही ना बरतें। अगर यह कोरोना हुआ तो दिक्कत कर सकता है, इसलिए सावधानी बरते, कोई दिक्कत आने पर अस्पताल में इलाज करवाए व निगरानी समिति को इसकी जानकारी दे। व्यक्ति अगर बुखार है उसने दवा ले ली उसको राहत मिलेगी। कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम है दवा ले ली उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और उसको समय से उसने दवा नहीं ली उसके लिए बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सावधानी के लिए निगरानी समिति को ही कहा गया है कि निगरानी समिति पहला काम तो करे हर व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाए। गांव में हर व्यक्ति को बोलेंगे घर के अंदर ही जो है ना, और लोगों को इसके लिए लोगों को बता सकेंगे तो कोरोना गांव में ही परास्त हो जाएगा और गांव सुरक्षित तो जनपद भी सुरक्षित। जिन गाँवों ने अपने यहाँ इन कार्यों को लागू किया वे गांव पूरी तरह सुरक्षित हुए हैं और उन गांवों में कोरोना से कोई मौत भी नहीं हुई क्योंकि वहां पे निगरानी समिति जागरूक रही है। ये चीज हमें लगातार करना पड़ेगा और ग्राम प्रधान को भी अपने साथ जोड़िए। आज उनका शपथ ग्रहण होगा, आज कल में शपथ ग्रहण होने के बाद उनको भी जोड़िए, उनका भी मदद लीजिए कि मेरा गाँव कोरोना मुक्त गाँव।